हेलो दोस्तों, होप यू आर गुड। मैं आपका दोस्त डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी। और देखिए, इस सीरीज़ का सम जो कि बहुत आसान सी दिख रही है, पर ये आसान नहीं है। ये एक स्पेशल सीरीज़ है। और ये दूसरा क्वेश्चन है, ये भी एक स्पेशल सीरीज़ है। मैं आपको बताऊंगा कि इसका सोल्यूशन कैसे निकालना है। तो इसके सोल्यूशन के लिए मान लें कि इसका सोल्यूशन है एस। S इज इक्वल टू, ध्यान से सुनिएगा, 3 + 7 + 13 + 21 + 31 up to n terms। ये तो अप टू n टर्म्स की जगह अपन ऐसा भी कर सकते हैं, इसको tn लिख देता हूं मैं। तो आप ऐसा करें, अप टू n टर्म्स की जगह इसको क्या लिख देंगे, tn लिख दें। तो यहां पे लिख दिया मैंने tn लिख दिया। अब tn लिख दिया तो ये इसको फिर से ऐसा ही लिखें, s इज इक्वल टू। अच्छा, पहले आपको इसके थोड़े से वो बता दूं कि इसमें क्या खास बात है, इसमें क्या खास बात है। तो देखिए, 3 और 7 का डिफरेंस क्या है, 4। 7 और 13 का डिफरेंस बोलूंगा तो माइनस बड़े में से छोटे को करना होता है। 7 और 13 का डिफरेंस है तो 6 का है। इसमें इसका डिफरेंस कितने का, 8 का। ये कितने का डिफरेंस है, ये 10 का है। तो ये एपी नहीं है, ये एक एपी नहीं है, ना ये एक एपी है, ना ये एक जीपी है। पर जब आप इसमें से प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करते हो, पहले वाली टर्म को माइनस करते हो, तो ये क्या बन जाती है, ये तब जाके एक एपी बन जाती है। ये देखो दोस्तों, ये एक एपी बन चुकी है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए, इस तरह की सीरीज़ को करने के लिए एक बेहद आसान सी तरकीब है अपने पास, उसको समझना है आप। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास 11 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसको कई बार पूछते हैं टीचर्स, आप अपने टीचर से भी बात करके पूछ सकते हैं। और इसका वेटेज 6 मार्क्स का होता है। क्वेश्चन दिखने में ज़रूर छोटा है, पर इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। देखिए, इसको शिफ्ट कर दिया मैंने, 3 को यहाँ इसके नीचे लिखने की जगह यहाँ लिख दिया, तो नेचुरली 7 यहाँ आएगा। एक टर्म शिफ्ट कर दी, फिर यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे 13 आ जाएगा, यहाँ कौन आ जाएगा आपके पास, 21 आ जाएगा, यहाँ कौन आएगा, tn के नीचे जो इसके पहले होगा, इसके पहले कौन है, इसके पहले tn-1 होगा, तो वो आ जाएगा। और tn दोस्तों कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। अब इसमें से क्या करना, आपको इस पूरे को माइनस कर दो, किसमें से, ऊपर में से। तो जब ऊपर में से आप इसको माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा, s-s 0 3 3। ये यहाँ से आप लाइन खींच दें, एक यहाँ पे भी लाइन खींच दें। और देखें, ये 7-3 कितना होगा, 4। 13- ये कितना होगा, 7 6। ये कितना हो जाएगा आपका, 8। ये कितना हो जाएगा आपका, 10। अप टू टोटल टर्म कितनी आएंगी, तो आप देखो दोस्तों, इसमें से एक कम कर ली, इसमें से भी एक कम कर ली, तो इसमें से एक कम कर ली, तो ये टोटल टर्म कितनी है, आप देख के महसूस करके बताना मुझे। ये टोटल टर्म से n-1, ये टोटल टर्म कितनी है, ये भी n-1 ही है ना। आप देख लो, उसकी एक टर्म मैंने वहाँ छोड़ दी, इसकी एक टर्म यहाँ छोड़ दी, तो ये जो मेरा माइनस करने में टोटल कितनी टर्म्स आएंगी, तो टोटल आएगी n-1 टर्म्स। इसका बहुत ध्यान रखना, अगर आपने n टर्म्स लिख दिया तो फिर गलत हो जाएगा। और ये माइनस हो जाएगा ऊपर, -tn। अब -tn को आप इधर भेज दें, ये tn 3+, ये एक एपी बन गई। एपी का फार्मूला लगा दें, क्या है आपका फार्मूला, n/2, तो यहाँ आएगा n-1/2, क्योंकि टोटल टर्म्स कितनी है, n-1, 2 × a 4 प्लस n-1-1 × d। देखिए, ये फार्मूला है, मैं एपी के सम का फार्मूला लिख देता हूँ आपको, सम ऑफ एन एपी। क्या फार्मूला है वो आपको मालूम है, मैं फिर भी लिख देता हूँ आपको, n/2 2a + n-1 d। लेकिन अभी हमारे पास, इसको कैपिटल N लिख देता हूँ मैं, कैपिटल N से ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपके पास जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो टोटल कितनी है, N नहीं है,
आपके पास n माइनस वन, इसलिए आपका यहाँ n माइनस वन बाय टू और यहाँ पर क्या आया n माइनस वन माइनस वन। और tn की वैल्यू, ये क्वेश्चन आपको करना है, ये क्वेश्चन इसलिए मैंने दिया है और ये आपके एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, पर मैं आपको कहता हूँ कि आप इसको ट्राई करें और आंसर वेरीफाई करें। अब देखिए, माइनस tn उधर चला गया तो ये tn 3 प्लस एन माइनस वन बाय टू। अब इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, तो इसमें से आप चाहें तो 2 कॉमन ले लें, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा आपके पास, 4 प्लस एन माइनस टू, 2 तो कॉमन आ गया तो ये 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से कैंसिल हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर लेते, 3 प्लस एन माइनस वन एन प्लस टू, 3 प्लस एन स्क्वायर प्लस टू एन माइनस एन माइनस टू, तो ये जाएगा एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन। ये टी एन आ गया, ये टी एन है। अभी हमें टी एन नहीं निकालना, अभी हमें सम निकालना है। सम क्या होगा, तो सारी टर्म्स का सम है। तो देखिए, अपन देखते हैं साथ साथ। अब अगर एन की जगह आप वन सब्स्टिट्यूट करो तो देखो आप टी वन क्या आता है आपके पास, वन स्क्वायर प्लस वन प्लस वन। देखो आप उसकी फर्स्ट टर्म आई कि नहीं आई, टी टू रखो, टू रख दो आप, तो टू स्क्वायर प्लस टू प्लस वन, फोर प्लस थ्री सेवन आया। तो इसका मतलब ये जो टी एन है ये सही है, वरना आपका टी एन अगर गलत होता तो आपको फिर सुधारना होता। तो ये दोस्तों टी एन आपका सही था। तो अब हमें टी एन नहीं निकालना, अभी हमें तो ऐसे सारे टर्म्स का सम निकालना है, इनका सबका सम। तो इनका सबका सम क्या होगा, तो मैं सम का एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है ना, सारी टर्म्स का सम। तो एस इज़ व्हाट, एस इज समेशन ऑफ डी एन, और एन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी होगी, एन की वैल्यू वन से एन तक, मतलब टी वन वन रखेंगे तो टी वन, फिर समेशन में प्लस है, समेशन का मतलब है प्लस लगाना, फिर एन की जगह टू रखेंगे, फिर एन की जगह थ्री रखेंगे, ऐसे करते करते कहाँ तक रखेंगे, तो ऐसा करते करते एन इक्वल टू एन रख देंगे, तो ये आ जाएगा इन सब का सम। तो ये आपका फॉर्मूला है, तो ये हो जाएगा आपके पास एन इज इक्वल टू वन टू एन टी एन, टी एन की वैल्यू कितनी है, एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन, एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन। अब आप सबके समेशन सेपरेट कर दें, सबके समेशन सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास एन स्क्वायर, ये हो जाएगा एन, और ये हो जाएगा आपका सिग्मा वन। अब अगर इसमें भी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो मैं आपको बताता हूँ कि इसको क्या लिख सकते हैं आप। देखो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, अब इनके समेशंस की वैल्यू रखना पड़ेगी। अब इनकी जगह अगर आप वन लिखते हो, देखो आप ऐसे लिख सकते हो उसको, वन स्क्वायर प्लस वन प्लस वन, एन की जगह जब टू डालोगे तो आप ये हो जाएगा टू स्क्वायर प्लस टू प्लस वन, थ्री डालोगे तो ये हो जाएगा थ्री स्क्वायर प्लस थ्री प्लस वन। ऐसा करते करते कहाँ तक डालना है आपको, एन तक, एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन। अब इसमें तीन सीरीज छुपी हुई है, तीन कौन कौन सी, ये सबकी पहली टर्म अलग है, सबकी दूसरी वाली देखो अलग है, और आखिरी में वन 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 आ रहा है। तो ये मैंने वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर अप टू कहाँ तक, अप टू एन स्क्वायर, इनको साथ कर दिया, प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री अप टू एन को साथ कर दिया, और क्या कर दिया, वन 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 कितने थे आपके पास, वन 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 एन टर्म्स तक थे, एन टर्म्स तक, एन टर्म्स तक थे। तो ध्यान से देखो, ये वन स्क्वायर से लेके टू एन, वन स्क्वायर टू स्क्वायर थ्री स्क्वायर एन स्क्वायर, ये है क्या है वो सिग्मा एन स्क्वायर, और ये देखिए वन टू थ्री जो एन है ये सिग्मा एन है, और वो जो है वन 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 वो सिग्मा वन है। तो आंसर क्या होगा, तो आपको सिग्मा एन स्क्वायर, सिग्मा एन क्यूब, सिग्मा एन की वैल्यूज़ याद होंगी, मैं आपको डायरेक्ट वैल्यूज़ लिखता हूँ,
और अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो मेरे पिछले वीडियोस भी देखें आप, सिग्मा एन स्क्वायर ध्यान से देखें, सिग्मा एन स्क्वायर की वैल्यू होती है एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाय सिक्स, और सिग्मा एन की वैल्यू, सिग्मा एन की वैल्यू होती है एन एन प्लस वन बाय टू। सिग्मा एन क्यूब की भी होती है, सिग्मा एन क्यूब की अभी हमें ज़रूरत नहीं है पर मैं लिख देता हूँ, सिग्मा एन क्यूब की होती है एन एन प्लस वन बाय टू होल स्क्वायर। सिग्मा के की भी होती है, यहाँ लिमिट तो एन की लगी है और अंदर क्या लिखा है के, तो इसकी वैल्यू होती है के एन, इसकी वैल्यू क्या होती है के एन। तो इसीलिए आपका इसका आंसर देखो, सिग्मा एन स्क्वायर की वैल्यू ये आएगी एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाय सिक्स एन एन प्लस वन बाय टू, और सिग्मा वन आप सिग्मा वन समझ लें, जैसे सिग्मा के होता है के एन, यहाँ भी समझ लें आप, इसीलिए मैंने इसको लिख दिया वन 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 कितनी बार एन टाइम्स, तो इसकी सिग्मा वन की वैल्यू इस तरह की होगी वन 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 एन टाइम्स, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी एन। तो ये आ गया दोस्तों आपका, अब इसमें से क्या करें थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें इसको, तो सिंप्लीफाई करने के लिए आपको एन बाय सिक्स कॉमन ले लें, एन बाय सिक्स अगर कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ देखिए यहाँ बचेगा एन प्लस वन टू एन प्लस वन, यहाँ पे अपॉन में टू है और सिक्स कॉमन लिया तो यह थ्री मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ एन है केवल और अपॉन में सिक्स कॉमन लिया तो यहाँ सिक्स आ जाएगा, ताकि अगर आप इसको ओपन करो तो फिर वही आ जाए आपके पास। अब इसको अंदर वाले पोर्शन को सिंप्लीफाई कर लेंगे, अंदर वाले पोर्शन को देखिए सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, आंसर यहाँ नहीं छोड़ सकते, आंसर थोड़ा कॉम्पैक्ट होना चाहिए, फैक्टराइज्ड फॉर्म में होना चाहिए, आप आंसर यहाँ मत छोड़िएगा, अगर आप यहाँ छोड़ेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी आपके साथ, और इसीलिए मैंने आपको वो नेक्स्ट क्वेश्चन भी दिया है सॉल्व करने को, ताकि आप करके कॉन्फिडेंट हो जाएं। एन बाय सिक्स ब्रैकेट इसको मल्टीप्लाई कर लें तो हो जाएगा आपका टू एन स्क्वायर प्लस एन प्लस टू एन प्लस वन प्लस, वो ओपन कर ले थ्री एन प्लस थ्री प्लस सिक्स, ये कितना आ गया आपके पास, ये आ गया टू एन स्क्वायर प्लस ये थ्री एन है ये भी थ्री एन है, तो ये हो जाएगा सिक्स एन प्लस सिक्स प्लस थ्री कितना हो जाएगा आपका नाइन। अब अगर आपके इसके फैक्टर बनते हों, अब आप इसके फैक्टर बना सकते हो तो बना दीजिए, वरना फिर ये आपका आंसर हो जाएगा, मोस्ट फैक्टराइज्ड फॉर्म में आप इसको छोड़ दें, और आप इसके फैक्टर अगर बना सकते हैं फिर से सुन लीजिए तो बना दीजिए, नहीं बना सकते तो नहीं बनाइए। अभी इसमें मुझे इसकी संभावना कम दिख रही है, टू नाइन जा कितना 18, सिक्स को ऐसा स्प्लिट करना है कि 18 आ जाए, तो ऐसा स्प्लिट करना कुछ समझ में नहीं आ रहा कि सिक्स को कैसे स्प्लिट करेंगे कि आ जाए, तो ये इसका दोस्तों आंसर है, ये इसका आपके क्वेश्चन का आंसर है। अब अगर इसमें आप n की जगह 1, 2, 3 रखेंगे तो आपका इनका सम आ जाएगा, जैसे 1 रखें आप तो हो जाएगा 2 प्लस 6 प्लस 9 1 बाय 6, देख लें आप इसको 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका 11, ओ माय गॉड 2 9 स्क्वायर, वेट करना दोस्तों थोड़ी सी कोई गड़बड़ होगी तो मैं आई विल, अरे मैंने उसको रिकवर द थिंग, तो देखें एन की जगह हमने वन डाला तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस 6 8, 8 प्लस 9 17 है, यहाँ 2 प्लस ओके, ये जो गड़बड़ है ये समझ गया मैं, 1 प्लस 3 प्लस 6 यहाँ 10 आएगा, अब 10 आएगा तो फिर देख लें अगर इसके फैक्टर बन सकते हो तो, अगर फैक्टर बन सकते हैं तो फिर बनाना है, नहीं बन सकते हैं तो फिर आपको इसी में रखना है, तो आप देख लीजिएगा इसमें से 2 और कॉमन आ रहा है तो ये आ जाएगा 2n बाय 6, ये आ जाएगा आपका n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 5, ये 2 3 जा 6। अब आप n की जगह 1 डालें, अच्छा किया हमने इसको वेरीफाई कर लिया, तो आप भी वेरीफाई करने का याद रखिए, तो देखें कैसे वेरीफाई होता है, 1 बाय 3 1 प्लस 3 प्लस 5, एन की जगह 1 रखा
तो 1 + 3 + 5 9 होगा, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया आपका सम 3। अब n की जगह 2 भी डाल दें, ऐसा 1 डालने से केवल नहीं काम होगा, n की जगह आप 2 डाल दें और ऑब्जेक्टिव आएगा, तो ऑब्जेक्टिव में भी आप इस तरीके की ट्रिक डायरेक्ट लगा लें, इतना सम निकालने की ज़रूरत नहीं रहेगी। 1 रखें 2 रखें, अब देखें 2 रख के क्या होता है, 2 रखेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 स्क्वायर कितना होगा 4, 4 + 3 = 6, 4 + 6 = 10, 10 + 5 = 15, तो यहाँ हो जाएगा n की जगह 2 ब्रैकेट में हो गया 15/3, ये कितना आ गया 3 × 5 = 15, 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10, देखो दोनों टर्म्स का सम 10 है ना, इसमें सम आएगा, ये नहीं आएगा 7, इसमें इसका इन दोनों का सम आएगा। अगर आप n की जगह 3 रखोगे तो ये आएगा आपके पास, आप रख के देख लीजिएगा, 3 + 7 + 13, 3 + 7 + 13 मतलब 23 आएगा 3 रखने में, अगर आप 4 रखोगे तो फिर ये आएगा। वो जो उधर वेरीफाई किया था उसको टर्म थी, वो टर्म थी, और ये क्या चीज़ है, ये सम है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमने किया, काफ़ी अच्छा था, लगभग आपके 16 मिनट लगे, और ये तो मैंने समझा समझा के किया, जब आप करेंगे तो इसको ऐसा एक्सपेक्टेड है कि आप 9 से 11 मिनट में इस क्वेश्चन का आंसर करें, और ठीक से करें, वेरीफाई करते हुए करें। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, और दोस्तों तक बात पहुंचाना है, और मेरी बेस्ट विशेष है, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी, गुड लक।